मेहुल के घर मेहमान आए हुए थे। मेहुल उनको चाय पिलाने को सोचता है। वह किचन में जाता है और कंफ्यूज हो जाता है कौन सी केतले में ज्यादा चाय आएंगे। क्या आप बता सकते हैं? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर नंबर बी वाली केतली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक गांव में भूतिया घर होता है। गांव के लोग उस घर में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन चार दोस्त उस घर के अंदर जाने के लिए सोचते हैं और अंदर चले जाते हैं और वहां पर बहुत सारी फोटो खींचते हैं, लेकिन जब फोटो को देखते हैं तो भाग जाते हैं। क्या आप इन फोटो को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा फोटो डरावना है? तो चलिए इस फोटो को देखिए। जब चारों लोग सेल्फी ले रहे हैं तो उसका फोटो किसने खींचा है? अमित के पास एक पालतू कुत्ता था। उसने एक पार्टी रखा, लेकिन उसका पड़ोसी उससे नाराज होकर झगड़ा करने लगा और अनाप शनाप गालियां भी दी। अगले दिन अमित अपने घर में मरा हुआ पाया गया। तब डिटेक्टिव मेहुल को जांच के लिए बुलाया गया। जब डिटेक्टिव आता है तो कुत्ता उसके ऊपर रोकता है। डिटेक्टिव पहले उसकी बीवी से पूछता है तो कहती है मैं संडे के दिन स्कूल गई थी बच्चों को पढ़ाने। और पड़ोसी से पूछता है, वो कहता मैं पिकनिक पर गया था। तो आपको अनुमान लगाना है कि मर्डर किसने किया? तो इसका आंसर अमित की बीवी ही है। संडे के दिन स्कूल नहीं खुलते। अमित के पार्टी में अमित का ही खून हो जाता है। डिटेक्टिव को जांच के लिए बुलाया जाता है। डिटेक्टिव जांच करता है और उसे उसके चार दोस्तों पे शक होता है। तो दोस्तों अभी आपको इनको देखकर अनुमान लगाना है कि अमित का खून किसने किया है। तो इसका आंसर नंबर सी वाला रयान है, क्योंकि उसके कपड़ा फटा हुआ है जो कि अमित के हाथ में है। रोहन का बेटा लंबे समय से गायब था। पुलिस ने लंबे समय के बाद चार बच्चों को ढूंढा। तो गाइस अभी आप इन चार बच्चों को देखकर अनुमान लगाइए कि रोहन का बेटा कौन सा है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही आंसर नंबर बी वाला लड़का है। रोहन अपने तीन दोस्तों के साथ रात को कोक पार्टी किया। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया तो वह घर आ जाता है और सो जाता है। लेकिन जब सुबह उठता है तो उसे याद आता है कि उसका सामान चोरी हो गया है। वह उसी बार में चला जाता है और देखता है। तो आप रोहन के तीन दोस्तों को देखकर बता सकते हैं कि रोहन का सामान किसने चुराया है? तो इसका सही आंसर नंबर बी वाली लड़की है, क्योंकि रोहन के शर्ट पर बी वाली लड़की का लिपस्टिक लगा हुआ है। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर भागते भागते हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। मेहुल भी हॉस्पिटल के अंदर जाता है, लेकिन उसे वहां पर चोर नहीं मिलता है। तो मेहुल उनका आईडी देखता है। क्या आप इनकी आईडी को देखकर अनुमान लगा सकते हैं चोर कौन है? और आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो इसका सही आंसर नंबर बी वाला आकाश है, क्योंकि वह 1960 में पैदा हुआ था। तो अभी उसकी उम्र एक बूढ़े आदमी की तरह होना चाहिए, लेकिन वह अभी एकदम जवान है।